लोग कहते हैं कि सुबह का समय पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है, पर हकीकत तो ये है कि हर वक्त सुबह हो या शाम, अगर मन में लगन हो तो कभी भी पढ़ा जा सकता है। जो आदमी मन के साथ जीता है वो कमजोर होता है, और जो संकल्प के साथ जीता है वह बलवान होता है। ये मन आवारा होता है। पढ़ने बैठोगे तो टेबल पर रखी हुई 10 चीजों की तरफ मन आपका ध्यान भटकाएगा। मोबाइल कभी खुद नहीं कहता कि मुझे चलाओ, आपका मन कहता है कि मोबाइल चलाओ। इसीलिए अगर अपने आवारा मन को कंट्रोल करना है तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके बड़े काम आएगी। छोटे छोटे संकल्प लेना सीखो। सोचो कि आज मैं 1 घंटे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब पढ़ने बैठो तो एक छोटा सा संकल्प लो कि 15 मिनट तक अपनी नजर किताब से नहीं हटाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। धीरे धीरे ऐसे कामों की प्रैक्टिस करो। जब आप इन छोटे छोटे संकल्पों को पूरा कर पाओगे तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको यकीन हो जाएगा कि जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ। और आपकी ये सोच आपके मन की आवारा गर्दी को खत्म कर देगी। कब तक उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटाते रहोगे जो आपका ध्यान भटकाती हैं? बेहतर तो ये है कि अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चीज तुम्हारा ध्यान भटका ही ना पाए। वो कहते हैं ना, सड़क से कंकर हटाने की जगह पैरों में जूता पहन लेना ज्यादा बेहतर होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मौत तो सबको आती है पर जीना हर किसी को नहीं आता। देखो अभी तुम्हारे पास मौका है अपनी लाइफ बनाने का, और ये मौका आने वाले समय में तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और अगर तुमको अभी भी पढ़ाई बोरिंग लगती है तो इसका मतलब ये है कि तुमको आज तक पता ही नहीं चल पाया कि तुम पढ़ क्यों रहे हो। पढ़ाई बोरिंग होती है, सच बात है, बिल्कुल बोरिंग होती है। इसमें कोई मजा नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन सोना भी तो बोरिंग होता है, इसमें कौन सा एंटरटेनमेंट, कौन सा मजा होता है। खाना खाना भी बोरिंग होता है, लेकिन जब नींद आती है तो सोना पड़ता है, भूख लगती है तो खाना पड़ता है, तब एंटरटेनमेंट और मजा, ये सारी बातें मायने नहीं रखते, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सोने की, जरूरत है तो खाने की। ठीक वैसे ही पढ़ाई जरूरी है, मायने नहीं रखता ये बोरिंग है या मजेदार है, ये जरूरी है। क्योंकि अगर तुमने अभी अपना भविष्य बना लिया तो शायद तुम आगे अपने मन के काम कर पाओगे, लेकिन अगर मजे के चक्कर में, बोरियत के चक्कर में अभी तुमने कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर तुम्हें वो काम करने पड़ेंगे जो तुम्हारे मन के नहीं होंगे। किसी ऐसे आदमी के नीचे काम करना पड़ेगा जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, उसकी डांट खानी पड़ेगी, शायद उसका नौकर भी बनना पड़े। तब कैसा लगेगा जरा सोचो, कैसा लगेगा जब तुम्हारे आत्मसम्मान को कोई अपने जूतों से रौंद देगा? कैसा लगेगा जब तुम्हारे बच्चे के पास खेलने के लिए अच्छे खिलौने नहीं होंगे? कैसा लगेगा जब लोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इज्जत नहीं देंगे? तो दोस्त, या तो भविष्य में 2 कौड़ी की जिंदगी जी लेना, या सोच समझकर अपनी जिंदगी का अभी सही फैसला कर लेना। हो सकता है ये सारी बातें आपको बुरी लग जाएं, लेकिन मीठी बातें करना मेरा काम नहीं। अगर मेरी कड़वी बात से आपकी जिंदगी सही रास्ते पर आ जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो आने वाला वक्त समझा ही देगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसा बुरा समय आया था जिसे वो आज तक भुला नहीं पा रहे हैं, वो दुख उनके मन से जा ही नहीं रहा है। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जो आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कहानी सुनने के बाद शायद आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाए। कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, खबरी ऐप पर आपको ये कहानी मिल जाएगी। और यही नहीं, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी कहानियां उपलब्ध हैं मेरी आवाज में जिनसे आप काफी कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सुनते रहिए मन की आवाज़।